सब 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 नजर आ गया ना बड़ी ना सब आ गया सब। फैसल भाई कुछ पढ़ते हुए यार मैं इस चीज की कसम खा सकता जो कब्रिस्तान जो बाहर निकले किसने मेरे को स्टिक खींची है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हालचाल, ठीक ठाक, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज आज का जो व्लॉग है ना तो काफी ज्यादा तबाही वाला व्लॉग होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो अभी मैं बताता हूँ कि आज का जो व्लॉग है वो है क्या। तो आज हम जाने वाले हैं मगरब की नमाज के बाद समुन्द्री से तकरीबन 700 किलोमीटर दूर, 7 किलोमीटर दूर हमारा गाँव है वहाँ, और हमारे गाँव से तकरीबन 1-2 किलोमीटर दूर कब्रिस्तान है हमारे गाँव का, जो आगे मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया भी है। तो अब हम जाने लगे हैं रात के वक्त कब्रिस्तान, देखते हैं कि हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते रात के वक्त कब्रिस्तान। तो काफ़ी ज़्यादा ये हॉरर व्लॉग होने वाला है। तो अगर आप कमज़ोर दिल के हज़रात हैं तो ये व्लॉग पूरा लाजमी देखना है, मज़ा आएगा देखने का। तो हमारी भी बहुत कोशिश है, मुझे तो अभी से डर लग रहा है। कल रात हमने बैठ के ड्रोनी बातें की थी तो अभी मुझे डर लग रहा है। तो पैसे होंगे, हम कोई 4-5 बंदे होंगे, तो शाम तक आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन साथ जा रहा है। तो इस तरह जो हमारा प्लान है ना व्लॉग का है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और अभी चैनल को ना सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को पूरा लाजमी देखें। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। तो थोड़ा सा ना रिस्की व्लॉग भी है तो डर भी लग रहा है, तो बस कुछ बातें ऐसी हैं जिनों भूतों वाली कि डर भी लगता है। तो रात के वक्त कब्रिस्तान जाना और भी ज़्यादा डर लगता है कि रात के वक्त कब्रिस्तान जाना, और वो भी गांव से जो 1 किलोमीटर दूर फासले पर हो और रास्ता दरमियान से हो, इधर भी खेत हों इधर भी खेत हों। और मुझे तो अभी सोच के डर लग रहा है। तो अभी शाम को निकलते हैं, अभी तो वैसे तकरीबन 6 बज चुके हैं, तो थोड़ी देर तक ना हम निकलते हैं। तो जब निकलेंगे फिर अगला व्लॉग है ना तब शुरू करेंगे जब हम निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। औखा फिर चले जी गए, अभी तकरीबन 7:30 हो चुके हैं, तो अभी हम सारे फ्रेंड जो हैं इकट्ठे हो चुके हैं, तो आज भी वहाँ से आ रहा है। तो अभी निकलते हैं और चलते हैं फिर। रेडी राणा साहब, मुजम्मल भी रेडी, फैसल भी रेडी, रेडी रेडी मलिक साहब रेडी, आसा भी आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। चले जी गाइस, तो अभी चलते हैं। तो अभी तकरीबन 8 बज चुके हैं, तो 7:30 निकलने का प्रोग्राम था हमारा, तो अभी तकरीबन 8 बज चुके हैं। तो आहद भाई जो है ना थोड़ा सा लेट करके गए, अभी हम रोड पे जा चुके हैं। तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं सुनसानी कितनी है। तो अभी ये समुद्री सिटी है, तो ये नई समुद्री कहते हैं, अंधेरा कितना ज्यादा। तो अभी हमें आगे जाना है, तो पीछे बैठे शरारते करिए जा रहे हैं। तो अभी जो है ना हमारे गाँव का रास्ता स्टार्ट हो गया, तो अभी आप अंदाजा लगा ले, तो यहाँ पे कोई आपको बाइक वाला नजर नहीं आ रहा, तो जो वापस आ रहा है तो कितनी सुनसान सड़क है। तो अभी जो ना हमारा गांव आएगा, तो उसके बाद जो ब्लॉग होगा ना, तो आप इंशाल्लाह अल्लाह खैर ये रखे, खैर खरीद रखे। चले जी गाइस, अभी हम जो है गांव पहुंच चुके हैं, तो मेरे पीछे आपको अंधेरा सारा नजर आ रहा होगा। तो अभी हम अपने चाचू के मकान के पास ही खड़े हैं, तो गाँव के अंदर ही। तो ये सारे फ्रेंड्स वगैरह भी यहाँ पे आ गए। तो ये जो है ना सड़क जा रही है हमारे गांव के कब्रिस्तान को। आ जाओ नहा ही जाना तुम। ओए अपनी 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 लाइट्स वगैरह ऑन कर लो, सारे मोबाइल है ना लाइट्स वगैरह। तो ये रास्ता हमारे कब्रिस्तान को जा रहा है, तो अभी से हम चेक कर ले कितना ज्यादा खतरनाक है। तो अभी चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं, वहां तक हम लोग जाएंगे। मुजम्मल जो है ना सबसे आगे आगे चल रहा है। आयो नाल यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दूर है कब्रिस्तान। ओए लाइट्स वगैरह ऑन करके रोड ते रखियो, हो सकता है कोई सांप वगैरह हो या गिद्दर वगैरह कट्ठे तोड़ दे। ते बाकी एक गल, भजना किसी ने नहीं, हाँ भजना किसी ने नहीं है, दौड़ के जाना भजना किसी ने नहीं। आज जो चांद है तो वो भी, आज चांद भी पूरा है, चांद भी पूरा है। दोनों तरफ में खेत है, तो आपको नजर आ रहे होंगे, तो बिल्कुल जो है ना कीड़ों मकोड़ों के बाजे आ रहे हैं। तो और हम जो है तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 माशाल्लाह लोग हैं, तो अल्लाह खैर ही रखे। तो देखते हैं आज पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते। वैसे तो सबसे आगे मैं चल रहा हूँ, अभी देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। अभी से ना मेरी कांपे टांगने शुरू हो गई है। सामने बंदा है मेरे ख्याल, कोई आ रहा, हाँ आ रहा है कोई, वैसे कोई है वा हैगा कोई, पता नहीं जा रहा है या आ रहा, आ रहा नहीं यार की भलेखा लग रहा,
ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਭੁਲੇਖਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ वैसे वो सामने लाइट्स भी चल रही हैं, वो मैं दूसरा गांव है वहां पे, वैसे कोई जा रहा है मेरे ख्याल से। अभी व्हाइट कपड़ों में आ गया ना कोई बंदा नजर आ रहा है, मेरे ख्याल दो बंदे हैं यार, दो बंदे हैं अभी, वो भी मेरे ख्याल जा रहे हैं, तो अभी पास जाके पता चलेगा कि क्या सूरत हाल है। अभी लग रहा है कि बंदे हैं दो वहां पे, अभी जो बंदे नजर आए थे वहाँ तो वो बाकी बंदे थे हमारे गाँव के, तो वो पीछे रह गए, तो अभी हम आगे जा रहे हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना तो रास्ता और भी खतरनाक होता जा रहा है, और सुनसान होता जा रहा है, और डर बढ़ता जा रहा है। तो अभी मुजम्मल जो है वैसे बहादुरी के साथ सबसे आगे है, अभी गांव काफी ज्यादा पीछे रह गए, तो कब्रिस्तान भी तकरीबन काफी ज्यादा आगे अभी। और ये जी अली ने पकड़ लिया जुगनू, अभी मैं लाइट्स वगैरह बंद कर दूं। ओए किधर गया ये मेरे पास था, ये जुगनू जा रहा है, ये जुगनू, ये अली एक मेरी बात सुन, हम दोनों ना इकट्ठे रहना ठीक है ना, ठीक हो गया, तो बाकी भी साथ ही है लेकिन हम दोनों ने इकट्ठे रहना, क्योंकि हम लोगों ने प्लान किया, हम इनकी इनकी तरह की करनी है कि कहाँ पे इनको भागना है, नहीं भागना नहीं, भागना नहीं है लेकिन मौका पे देख के भागना है नहीं, अल्लाह करे कुछ भी ना हो लेकिन हमें एक विजिट करना है बस। तो अभी वैसे ना अल्लाह का फेज करते करते चलते हैं, तो आगे जितना भी रास्ता ना सारा सुनसान। अच्छा यार बिरद शुरू कर लो, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर। ओ आ गया सामने, अच्छा मलक यार, मलक 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 यार आ गए, लो फिर आ जाओ यार, इन्हें यहाँ भी इन्हें यहाँ भी शुगर हो जाए, और ये आधी क्या कह रहा है परेड में आया, ठीक है। फैसल भाई कुछ पढ़ते हुए, क्या पढ़ रहे हो फैसल भाई, फैसल क्या पढ़ रहे हो, चल वीडियो बनाई, सब 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 नजर आ गया ना, बड़ी ना सब आ गया, सब 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 वो ये कौन सा है, ये कहना कौन है, वो ये वो दूसरा हवा मेरा ख्याल क्या कहते थे, कौन सा टाइगर कहते हैं, कहना कौन कौन सा मर गया मर गया मर गया, वो सप चक्कर में वो कितना प्यारा सप, ये एनाकोंडा नहीं है, ये कॉमन ग्रेड की दूसरी नस्ल है, पता नहीं क्या कहते हैं इसे, पहली नस्ल वो खड़ी है, नहीं नहीं ये कॉमन ग्रेड की दूसरी नस्ल है, ये मार दो यार मार दो, मारो मार मार दे मार दे मार दे मार दे मार दे मार दे मार दे, इधर करो इधर करो, मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया, बड़े देखी 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 अगे पीछे और भी होना, देखो 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 छोटी ने कर दे, कोई होर भी इतो निकले ना ना कर, अभी जो है ना हदूद शुरू हो गई है सर, हदूद शुरू हो गई है, वो सामने आपको मजार नजर आ रहा होगा, हाँ तभी हदूद शुरू हो गई है, तो बहुत ज्यादा ध्यान से हैं दोनों तरफ देखते हुए, ठीक है ना, वो पीछे कौन हैं, मैं कहना चलिए वापस, वो मैं कहना चलिए वापस, नहीं नहीं बहुत ज्यादा लागे चले गए तो काम खराब हो जाना, नहीं यार मेरी लता कमल यार गल मेरी सुनो, कला ड्रोन कब्रिस्तान निकालने से सब भी हो सकता यार, बहुत लागे पहुंच गए, मैं कहने वापस आयो, हाँ हाँ कब्रिस्तान वापस आयो, मैं कहना वापस आयो, आवाज आई आवाज आई आवाज आई, अजान की अजान की अजान की बात ظالمین یہ سامنے قبرستان آ گیا، تو ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہا تو بالکل قریب ہو گیا، السلام علیکم یا اہل القبور، تو یہ ہے جی سامنے سارا قبرستان، ابھی لائٹ اس طرح کی نظر نہیں آ رہا، تو مکمل واپس آ جا، آگے نہ آ جا میں کہہ رہا ہوں، आगे कहाँ पे जाना है यार، बस कर अंदर नहीं जाना، अंदर नहीं जाना، तो ये कपड़े सामने، अंदर नहीं जाना मलक साहेब، अंदर नहीं जाना، अंदर नहीं जाना، मदमल आप आयो मलक साहब आयो،
आजो फिर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि। अल्लाह खैर, अल्लाह अकबर, अल्लाह ध्यान से यार तले नीचे देख के कब्रें भी हैं। अल्लाह अकबर, 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 अल्लाह अकबर। ज़्यादा आगे रहने दे मुजम्मल जाने को यार। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मुजम्मल तो पता नहीं क्या हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, भैया मैनू कल पीछे छड़ता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, यार बस कर मुजम्मल किधर ले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, 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 अल्लाह अकबर। तो अभी हम अपने दादा अबू चाचा और फूफू जान की कब्र पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे भी फातिहा खानी कर लो यार। अभी चलते हैं वापस। तो ये था हमारे गांव का कब्रिस्तान, यहाँ पे हम आए थे। तो आ जाओ यार, बिल्कुल सारे सुनते सुन, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ यार। यार इनका दिल नहीं कर रहा वापस जाने का मेरे ख्याल। क्या मसला क्या? हाँ उसे लाग रहा था रोशनी, लेकिन मैं आ गया चांदनी रोशनी है, टाइल लगी हुई है और चमक रही है। चांदनी रोशनी यार नहीं रहने दे। आज आइयो वापस, आइयो, चलिए वापस, चलिए वापस। बदबू आ रही है तुम, अल्लाह का नाम लेके तुरे हो, अल्लाह का नाम लेके तुरे हो। मैं क्या, अल्लाह अकबर, 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 अल्लाह अकबर। की हो गया वा, की होया वा, की होया वा, ओ नहीं आया फिर चुप करके, आया फिर चुप करके। मैं कहने अल्लाह का नाम लेके आया, पीछे पीछे मुड़ के नहीं देखना, किसी ने पीछे मुड़ के नहीं देखना। अल्लाह का नाम लेके तो कबड़ा कबड़ा इतने अगे ध्यान ना, पीछे मुड़ के नहीं देख। अल्लाह अकबर, हाँ अल्लाह अकबर, नहीं नहीं अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। अभी चलते हैं यार वापस। मेरा दिल जो ना धक 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 कर रहा, क्या वो क्या हुआ, क्या था? अरे आगे साहब तीरों का कोई लड़का था, उसने कहा मुझे ऐसी चीज नजर आई, कहता इस सिचुएशन में बंदे को समझ नहीं लगती, बंदे का हाथ भी नहीं हिलता, उंगली भी नहीं हिलती कि किसी को वैसे दबाव इतना आ जाता है बंदे के, कि बंदा इतना इतना डर जाता है, घबरा जाता है। एक बार के मैं बताता हूँ, तो इस तरह ही ना एक लड़का था, उसकी ना शर्त लग गई एक दोस्त के साथ। तो उसने कहा कि तुमने ना अकेले जाना है कब्रिस्तान और वापस आना है। तो लड़का ना अकेले चला गया कब्रिस्तान, करीब पहुंचा तो वहां से उसके अंदर इतना खौफ बढ़ गया था, तो वो वापस हुआ है तो उसकी ना कमीज जो है वो जारे के साथ फंसी है, तो वहीं पे उसकी जान निकल गई थी सिर्फ खौफ की वजह से। उसे ऐसे लगा कि जैसे किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया, लेकिन खौफ की वजह से उसकी जान निकल गई। अभी जो हम गांव के पहुंच गए हैं करीब, तो अभी सबका ना एक्सपीरियंस पहुंचे हैं, अकेले अकेले से कैसा एक्सपीरियंस रहा है सबका। अच्छा मैं तुम्हें क्या थी, पीछे मुड़ के नहीं देखना यार, मैं सीधी कसम खा सकता जो कब्रिस्तान जो बाहर निकल किसी ने मेरे को स्टिक खींची है ना, कर इदा नहीं गल नहीं करी, स्मेल आई थी लगे साहब। तो अल्लाह का शुक्र है खैर खरीय से हम गांव तक पहुंच गए, तो अभी खैर खरीय से जो है घर तक पहुंच जाए, तो अल्लाह सबको खैर खरीय से रखे। तो ये जो रोड है ना ये भी कम नहीं है, तो अभी तो ट्रैफिक फिर भी थोड़ी सी है। मेरे ताया बुआ थे रात वक्त यहाँ पे पानी वगैरह लगाने के लिए, साथ ही हमारे खेत है, तो जब वापस जा रहे थे ना ताया बुआ रात के तकरीबन 2 बजे, तो उन्होंने यहाँ पे रोड पे एक बाबा बैठा हुआ था, तो उसने पहने हुए थे वाइट रंग के न्यू सूट, कह रहे हैं वाइट रंग का साफ सुथरा, वो पहन के सड़क के दरम्यान पे बैठा हुआ था। तो
तायाबू ने रुक के उसे थोड़ा सा पूछा लेकिन वो बोला नहीं, तो फिर तायाबू ने बाइक भगा लिया। चले जी गाइस अपने शहर समुद्री पहुंच चुके हैं तो कैरो क्रिया से, तो इस व्लॉग को यहीं पे खत्म कर देते हैं। तो काफी ज्यादा लंबा हो गया होगा मेरे ख्याल से ये व्लॉग, तो उम्मीद है आपको आज वाला व्लॉग जो है अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे इस व्लॉग को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना मत भूलिएगा। तब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।